जिस सस्पेंस से मनोहर परिकर जी जो इतने तंदुरुस्त थे और जो ब्रिज पे आके इनॉग्रेशन भी कर रहा है, लोगों को मिल भी रहा है और जोश का भाषण भी दे रहा है, उनको राहुल जी के मीटिंग के बाद तुरंत उसको दिल्ली शिफ्ट कर रहा है और हेल्थ का इशू का नाम दे रहे हैं। सो हमें काफ़ी टेंशन वाली बात लगती है कि उसको राहुल जी मिलता है और बाद में राहुल जी के खिलाफ उसको स्टेटमेंट देने को प्राइम मिनिस्टर दबाव डालता है और बाद में राहुल जी वापस उसको चिट्ठी लिखता है कि जो भी हमारा डिस्कशन हुआ उसके बारे में मैंने बोला ही नहीं राहुल जी ने कभी, और उसका जिक्र जो स्पीच में हुआ था वो जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में था उसका जिक्र राहुल जी ने किया था। उसके बाद वेरी मिस्टीरियसली और एक बहुत बड़ा सस्पेंस लेके मनोहर पर्रिकर जी को दिल्ली में शिफ्ट होता है। ये मुझे हेल्थ का ग्राउंड इधर नहीं लगता है, इधर ये कुछ राफेल का इशू और बड़ा कुछ है और इसके लिए परिकर जी का लाइफ का भी थ्रेट का हमें डर है क्योंकि हम मनोहर परिकर जी के परस्थली खिलाफ नहीं है, हम परिकर जी के जो स्टाइल स्कैम और उसका ये है, उसका लाइफ सेफ रहना चाहिए, देश के हित में गोवा के हित में भी अच्छा रहेगा, उसको लॉन्ग लाइफ मिले, लेकिन जिस तरह से उसको उठा के दिल्ली में ले गए हैं ये सब इशू के बाद, एक्चुअली उसने उनके सुन के राहुल जी को लेटर भी चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन राहुल जी का वापस चिट्ठी आने के बाद शायद कुछ टेंशन बढ़ गया होगा।